नमस्कार मित्रों, हमारे सनातन धर्म में कर्म की विस्तार से व्याख्या की गई है। कर्म के आधार पर ही ये तय होता है कि व्यक्ति को सुख मिलेगा या दुख, वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में दुख भोगेगा आदि। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति के चरित्र और बुरे कर्मों से वो नपुंसक बन जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जो उसे नरक से स्वर्ग में ले जाते हैं। तो आज का वीडियो ध्यान से पूरा देखिए ताकि आप जान पाएंगे कि आखिर किन कर्मों को करने से व्यक्ति नपुंसक के रूप में जन्म लेता है। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। गरुड़ पुराण के अनुसार महिला और पुरुष के यौन संबंधों से ही जुड़े कर्म ये तय करते हैं कि अगले जन्म में उसका जीवन कैसा होगा और वो किस रूप में अपना जीवन जिएंगे। महिला या कन्या का शारीरिक शोषण करने वाला व्यक्ति नरक में स्थान पाता है। उसके बाद उसे सालों तक यातनाएं भुगतने के लिए अजगर का रूप दिया जाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने गुरु की पत्नी के साथ संबंध बनाता है वो अगले जन्म में गिरगिट बनता है। ऐसा व्यक्ति जो अपने दोस्त की पत्नी के साथ संबंध बनाता है वो अगले जन्म में गधा के रूप में जन्म लेता है। महिला का अपहरण करना भी गरुड़ पुराण में महापाप कहा गया है। महिला का अपहरण करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में नपुंसक बनता है। महिला का हरण करने पर व्यक्ति की आत्माएं कष्ट पाती हैं तथा ब्रह्म राक्षस बनती हैं, जो एक अदृश्य प्रजाति होती है। इसके अलावा महिलाएं यदि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाती हैं, तो वो अगले जन्म में छिपकली, सांप या चमगादड़ का रूप ले लेती हैं। इस तरह महिला को भी यमलोक में यातनाएं सहनी पड़ती है। जो गंदे विचारों के साथ किसी वस्त्रहीन स्त्री को निहारते हैं, वे पाप कर्मी मनुष्य इस लोक में किसी न किसी रोग से पीड़ित अवश्य होते हैं। जो दुराचारी, दुर्बुद्धि एवं मूढ़ मनुष्य पशु आदि के साथ मैथुन करते हैं, वो पुरुषों में नपुंसक होते हैं, वो अगले जन्म में नपुंसक होते हैं। इसके अलावा जो पशुओं की हत्या कराते हैं वो जीवन में आगे चलकर नपुंसक हो जाते हैं। जो गुरु की शैया पर सोते हैं, गुरु पत्नी के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे भी नपुंसक हो जाते हैं। जो वर्ण संकर जाति की स्त्रियों के साथ समागम करते हैं, वे मनुष्य भी नपुंसक हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये रोचक जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।